हनुमान चालीसा का सारे लोग पाठ करेंगे और एक बार हृदय से बोले कि मनीष की रिहाई हो जाए तो हनुमान जी में शक्ति है, मनीष भाई बहुत जल्द जल्द से बाहर आ जाए। और इसमें लिखा गया है जो सतबार पाठ कर कोई छूटा ही बंदी महासुख होई। आपको लगता है मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ है? माननीय न्यायालय के मामले पर। अच्छा, कितना हनुमान चालीसा बांट रहे हैं? देखिए 11 लाख हम लोग का लक्ष्य है हनुमान चालीसा बांटने का। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद पत्रकार मनीष कश्यप के रिहाई के लिए हिंदू पुत्र नागेश सम्राट द्वारा पटना के पचरूपी हनुमान मंदिर के सामने 11 लाख हनुमान चालीसा बांटा जा रहा है। और इसलिए बांटा जा रहा है कि मनीष कश्यप की जल्द से जल्द रिहाई हो सके। पटना के पचरूपी हनुमान मंदिर के सामने ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है और जब तक मनीष कश्यप रिहा नहीं हो जाते तब तक ये जो है इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर लगभग 11 लाख हनुमान चालीसा बांटा जा रहा है इसलिए कि मनीष कश्यप की जल्द से जल्द रिहाई हो, तमिलनाडु के जेल में जो बंद है उनको बाइज्जत वहाँ से छोड़ा जाए। नागेश सम्राट जी हिंदू पुत्र और इनके तमाम साथी यहाँ पर है और ये इसलिए हनुमान चालीसा बांट रहे ताकि मनीष कश्यप की रिहाई हो सके। स्वागत है भी आपका। जय श्री राम। सारे हैं बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हैं? देखिए हनुमान चालीसा बांट रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि पहले तो सनातन के घर में हनुमान चालीसा का ज्ञान हो। और इसमें लिखा गया है जो सतबार पाठ कर कोई छूटा ही बंदी महासुख होई। अगर हनुमान चालीसा का सारे लोग पाठ करेंगे और एक बार हृदय से बोले कि मनीष की रिहाई हो जाए तो हनुमान जी में शक्ति है, मनीष भाई बहुत जल्द जल्द से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, कितना जो है ये हनुमान चालीसा बांट रहे हैं? देखिए 11 लाख हम लोग का लक्ष्य है हनुमान चालीसा बांटने का। 11 लाख लोगों को जी, इसलिए कि मनीष कश्यप की रिहाई हो, मनीष कश्यप और सनातन उत्कर्ष ज्यादा बढ़े, सनातनी जगह और हर घर में हनुमान चालीसा, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसा शक्तिशाली वीर है जिसका जिसने आराध्य किया है उसका कल्याण हुआ। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और जब एक साथ 11 लाख लोग इस जो है हनुमान चालीसा को पढ़कर राम नाम और इसके बाद श्री गुरु चरण सरोज और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो मनीष कश्यप के लिए सच में दुआ निकलेगी और वो दुआ काम आएगी मनीष कश्यप को। बिल्कुल, मनीष कश्यप को दुआ की जरूरत है नहीं? एकदम दुआ और आशीर्वाद भगवान का बिल्कुल जरूरत है। माताओं का दुआ मिल रहा है, भाइयों का प्यार मिल रहा है और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, मनीष कश्यप के साथ आप भी जेल गए थे? बिल्कुल गए थे। हाँ, और हम रहे भी हैं साथ में। और निकल के आए तो? निकल के आए तो देख ही रहे हैं आप क्या हम कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, बस भगवान से सुमरन कर रहे हैं कि हमारा भाई आ जाए। कितना बांट दिया अभी तक? अभी तक हम लोग लग रहा है 600-700 भी यहाँ बांट चुके हैं। 600 जी यहाँ एक जगह ही बांट रहे, सब जगह जा बिहार के हर जिले में बटेगा। बिहार के हर जिले में? बिल्कुल। तो बिहार के हर एक जिले में हनुमान मंदिर के सामने जो है राम ये श्री हनुमान चालीसा जो है इसकी किताब जो है ये बांटी जा रही है इसलिए क्या, ताकि मनीष कश्यप की रिहाई हो सके। किस लिए खड़े हैं आप लोग यहाँ पर? देखिए हम लोग आज हनुमान चालीसा का यहाँ पे एक बुक है। हाँ। वो सभी लोगों को मंदिर परिसर में दे रहे हैं। हाँ। नागेश सम्राट भाई का ये पहल था कि 11 लाख इस संकल्प लिए हैं कि भाई हम लोगों को बांटना। हाँ। अब इससे मनीष कश्यप की रिहाई हो अच्छी बात है। हाँ। वो भी हमारे समाज के हैं भाई, अच्छा काम करते हैं, बिहार के युवा हैं। हाँ। तो जरूर उनकी रिहाई हो इस पे भी हम बोलेंगे। और ये इसलिए भी है ना कि यहाँ के जो शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, ये उसलिए भी है कि उनको भी बुद्धि आए, उनको भी बुद्धि आए मंदिर परिसर में इसलिए बांट रहे ना कि उनको दिमागी जो रामचरितमानस लेके घूमते चलते हैं कि इसको बैन कर दिया जाए तो कभी बैन नहीं होगा। हिंदुस्तान है और यहाँ पे राम जी को और हनुमान जी को कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। हिंदू देखिए यहाँ पर देखिए विजय कुमार सिन्हा जी हैं नेता प्रतिपक्ष और इनको भी हनुमान चालीसा, मनीष कश्यप के लिए ये लोग 11 लाख जो है हनुमान चालीसा बांट रहे हैं। सर मनीष कश्यप की रिहाई के लिए 11 लाख हनुमान चालीसा बांट रहे हैं, क्या लगता है इससे दुआ जब निकलेगी मनीष कश्यप की रिहाई होगी? हर पवित्र काम करने वाले जी कि जो सकारात्मक ऊर्जा है जी वो फलित होता है जी। तो लगता है कि मनीष कश्यप के लिए यहाँ से दुआ जाएगी तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों के अंदर जनभावना जागृत होगी। हम एक ही चीज कहे कि जो भी सकारात्मक काम किया जाता है उसकी ऊर्जा फलित होता है। आपको लगता है मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ है? माननीय न्यायालय के मामले पर हम सम्मान माननीय न्यायालय के मामले को हम सम्मान करते हैं और पूरी
बातों की समीक्षा गहन होनी चाहिए, पूरी गहनता से समीक्षा होनी चाहते हैं कि जांच हो, निश्चित तौर पर इसकी उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी थे और यहाँ पर जो है ये खड़े होकर इस हनुमान चालीसा को लिए और उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय पर हमको भरोसा है और कहीं ना कहीं इसीलिए यहाँ पर इन लोगों की बात सुनते नजर आए। कहाँ गए नागेश भाई, कहाँ गए नागेश भाई? क्या लगता है कि जो है दुआ सबके मुंह से निकलेगी मनीष कश्यप? बिल्कुल बिल्कुल, हनुमान जी का सब जगह गुणगान होगा, हनुमान जी की चर्चा भी सब जगह होगी और लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा मनीष को और मनीष जल्द से जल्द रिहा भी होगा। जो है यहाँ पर हिंदू पुत्र संगठन द्वारा नागेश सम्राट जी के तत्वाधान में तमाम युवाओं के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि जो है इस हनुमान चालीसा को जो लोग पढ़े उनके मुंह से कहीं ना कहीं दुआ निकले और मनीष कश्यप के लिए वो दुआ काम आए ताकि जो है मनीष कश्यप की जल्द से जल्द रिहाई हो सके। और इसमें साफ साफ लिखा है कि जो सतबार पाठ कर सोई छूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा सिद्ध सिख साखी गौरीसा। और इसी बात पर ये लोग इसी के ऊपर विश्वास करके ग्रंथ आस्था धर्म सनातन और इसके बाद हनुमान जी पर विश्वास करके हर सनातनियों को, हर हिंदुओं को, हर राम भक्तों को इस तरीके का हनुमान चालीसा बांट रहे हैं ताकि घर में इसको पढ़ने से सुख शांति तो आए, साथ में जो लोग सत्य के लिए लड़ते थे और असत्य हावी होकर उनको जेल में डाल दिया उनको भी छुटवाने का प्रयास करें। चलिए एक बार बोलिए सबको जय श्री राम। जय जय क्या बोल रहे हैं? देखिए इसमें हम लोग रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिले इसके लिए भी हम लोग हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किए हैं। हाँ। जिस बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं हाँ। कि रामचरितमानस कुछ नहीं है और रामचरितमानस का अपमान करते हैं हाँ। उस शिक्षा मंत्री के ये मुंह पे तमाचा होगा हाँ। और हम लोग ये जब हस्ताक्षर अभियान खत्म कर लेंगे हाँ। उसके बाद हम लोग राज्यपाल से मिलेंगे इसके लिए और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिलेगा। मतलब इसके लिए आप एकदम कमर कस लिए? एकदम एकदम। श्री राम, जय जय श्री राम होगा और सबका जग का कल्याण होगा क्योंकि राम नाम एक ऐसा दवाई है जो उसको जप लिया जो उसको पी लिया उसका कल्याण हो गया। चलिए यहाँ पर तमाम लोग जागृत लोग और जागरूक लोग यहाँ पर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे। इनकी मुहिम सफल हो, मनीष कश्यप तमिलनाडु से बिहार जल्द आए ऐसी तमाम शुभकामनाएं इन लोगों को और तमाम लोग इस वीडियो को जो देख रहे थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।